जो हमारे डाटा बेस में कोई डाटा स्टोर है वो कंसिस्टेंट स्टेट में है और इन केस ऑफ एनी फेलियर वो डाटा को हम री स्टोर करते हैं दोबारा कंसिस्टेंट स्टेट में लाने के लिए तो थ्री स्टेट्स होती है डाटा बेस रिकवरी की तो फर्स्ट वन इज़ द प्री कंडीशन प्री कंडीशन कौन सी होती है जिसमें हमारा डाटा जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में होता है कंडीशन यहाँ पर फेलियर अक्कर होता है दैन द पोस्ट कंडीशन जब हम रिस्टोरेशन करते, है, करते हैं रिकवरी टेक्नीकस को अप्लाई करते हैं टू रिकवर द डाटा नेक्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ फेलियर्स इन डाटा बेस फर्स्ट फेलियर इज़ द ट्रांजेक्शन फेलियर ट्रांजेक्शन फेलियर क्या है फॉर एग्जाम्पल के आप बी एंड बी बैंक में गए हो वहाँ पर अपने अपना कार्ड जो है वो स्वाइप किया कुछ भी मनी जो है आपने वो विदड्रॉ करवानी है तो वहाँ पर आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो सारा प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पर एरर कौन से आ सकते हैं सिस्टम एरर क्रिएट हो सकता है लॉजिकल एरर्स आ सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द रिसोर्स अन अवेलेबी आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो बट आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है तो वहाँ पर ये एरर्स आ सकते हैं सिस्टम एरर्स में कोडिंग एरर हो सकता है इंटरनल सिस्टम एरर हो सकता है जिसकी वजह से आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पूरी नहीं हो रही तो डेटा आर द ट्रांजेक्शन फेलियर्स सेकेंड वन इज़ द सिस्टम क्रैश हो जाए फिर फेलियर हो सकता है डाटा हमारा लॉस्ट हो सकता है डिस्क फेलियर स्टोरेज स्ट्रक्चर फेलियर यूज़र इंटरप्शन हो जाए कंट्रोल कंकरेंसी कंट्रोल एंडफॉर्मेंस प्रॉब्लम आ जाए नेटवर्क फेलियर हो जाए नेट फिजिकल डिजास्टर्स हो जाएँ और मीडिया फेलियर्स हो जाए दिज आर ऑल द फेलियर्स इन डाटा बेस नेक्स्ट वन इज़ जो डाटा हमारा होता है उसकी स्टोरेज हम कहाँ कहाँ करते हैं फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी मेमरी दैट इज़ द मेन मेमरी दैट इज़ रैम यहाँ पर हमारा टेम्परे डाटा स्टोर हो जाता है तो ये वोलाटाइल होती है फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करती है बट लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है सेकेंड वन इज़ द सकेंडरी मेमरी सकेंड्री मेमरी जो होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है स्लो एक्सेस होता है बट लार्जर कैपैसिटी होती है फॉर एक्ज़ाम्पल के मैग्नेटिक डिस्कूज़ करते हैं ऑप्टिकल डिस्क यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट वन इज़ द स्टेबल स्टोरेज स्टेबल स्टोरेज होती है यहाँ पर हमारा डाटा कभी भी लॉस नहीं होता तो इसमें क्या है कि हम कॉपी ऑफ डाटा रखते हैं तो कॉपी ऑफ डाटा है डेट इज हम उसे नॉन वॉलोटाइल मेमोरी में रखते हैं फॉर एग्जांपल रेड रेड क्या है रिडेंडेंट एरे आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन तो नेक्स्ट इज द रिकवरी टेक्निक्स रिकवरी टेक्निक देयर आर द वेरियस ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म आर अटोमिक इन नेचर सो एसिड प्रॉपर्टीज़ डी में यूज़ करते हैं हम तो डाटा बेस को कंसिस्टेंट स्टेट में ला के रखती है तो ऐसिड uh, क्या है ऑटोमिसिटी कंसिस्टेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ड्यूरेबिलिटी तो uh, इसमें क्या है एक फर्स्ट वन है ऑटोमिसिटी तो ऑटोमिसिटी का क्या मीनिंग होता है कि आइदर ऑल दी ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटर और नन तो मेन रिकवरी में हम ऑटोमिसिटी जो है वो मेनटेन करके रखते हैं कि या तो सारे प्रोसेस हो जहाँ कोई भी ना हो तो रिकवरी कंसेप्ट जो हम यूज करते हैं डेट आर लॉग बेस रिकवरी एंड शेडो पेजिंग लॉग बेस में दो तरह की होती हैं डेफर्ड डाटा बेस मॉडिफ़िकेशन एंड इमीडिएट डाटा मॉडिफिकेशन एंड शेडो पेजिंग में भी टू टाइप्स होती हैं इन प्लेस एंड शेडोइंग नेक्स्ट फर्स्ट वन टेक्निक इज द लॉग बेस्ड रिकवरी तो लॉग क्या होता है लॉग इज अ सिक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स डेट मेनटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड बाई अ ट्रांजेक्शन लॉग में क्या है सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं जो भी हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो सारे जो हैं वो लॉग में सेव हो जाते हैं तो स्टोर्ड ऑन अ स्टेबल स्टोरेज मीडियम विच मीन्स नॉन वोलाटाइल हम यूज़ करते हैं जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे उसकी कॉपी जो है वो नॉन वॉलेटाइल में स्टेबल स्टोरेज में हमारी इंफॉर्मेशन जो है उसकी कॉपी जो है रेपल का बनती जाएगी वेन अ ट्रांजेक्शन एंटर्स द सिस्टम एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट राइट्स अ लॉग अबाउट इट जब कोई भी ट्रांजैक्शन हम स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट होगी तो एक लॉग फाइल जनरेट हो जाएगी जिसमें सारे उसके रिकॉर्ड्स आते जाएंगे तो वेरियस लॉग रिकॉर्ड्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं स्टार्ट लॉग बेस रीड अपडेट कमिट एंड अबाउट तो स्टार्ट में क्या है कि ट्रांजेक्शन टी जो है जब स्टार्ट होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम टी आई कॉमा स्टार्ट टी आई क्या है ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई स्टार्ट हम यूज़ करते हैं टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन सेकेंड इज रीड इट मीन्स डेट द ट्रांजेक्शन टी रीड्स द वैल्यू ऑफ अ डाटा बेस आइटम एक्स नेक्स्ट अपडेट के लिए क्या है कि हम राइट करते हैं वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस करते हैं फॉर एग्जाम्पल इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं टी आई कॉमा एक्स एक्स क्या है डाटा आइटम टी आई क्या है ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर ओल्ड वैल्यू एंड द न्यू वैल्यू विच मीन्स के हम राइट करते हैं चेंज करते हैं अपडेशन होती है फ्राम ओल्ड वैल्यू टू द न्यू वैल्यू चें ट्रांजेक्शन टी चेंज द वैल्यू ऑफ द डाटा बेस आइटम एक्स फ्राम द ओल्ड वैल्यू ओल्ड वैल्यू का हम और क्या बोल सकते हैं बिफोर एन इमेज ऑफ एक्स टू द न्यू वैल्यू विच इज़ नोन एज द आफ्टर इमेज ऑफ एक्स तो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट लॉग बेस्ड है कमिट कमिट का क्या मीनिंग है द टी हैज़ कम्प्लीटेड ऑल द एक्सेस टू द डाटा भी सक्सेसफुली एंड कमिटेड कि वो परमानेंटली जो है रिकॉर्ड्स जो है वो सेव हो चुके हैं और कमिट हो चुकी है हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन जो हमने स्टार्ट की थी नेक्स्ट इज़ अबाउट अबाउट का क्या मीनिंग है कि अगर इन केस ऑफ एनी फेलियर जहाँ हम ट्रांजेक्शन uh, को यूज़ नहीं करना चाहते तो हम उसे अबाउट कर सकते हैं बाई यूजिंग द अबाउट लॉग बेस्ड नेक्स्ट Approaches for the database modification.